नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। प्रतापगढ़ जनपद में मांधाता विकास खंड के अंतर्गत एक गांव ऐसा भी है जहां आज भी हालात आजादी के बाद से सुधर नहीं सके हैं। प्रतापगढ़ के मांधाता विकास खंड के अंतर्गत नूरपुर गांव में लोग आज भी बांस के पुल से गुजरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि गांव से हर डोली निकलती हो या फिर अर्थी, इस बांस के पुल से उन्हें गुजर कर जाना होता है। गांव में नदी के ऊपर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की खास रिपोर्ट। हम आजाद भारत के एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां की स्थिति देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये भी भारत का एक हिस्सा है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकासखंड के नूरपुर कांसापुर गांव में मौजूद हैं। यहां के ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है कि इस गांव में आने जाने के लिए पुल नहीं है। एक बांस का चालू पुल बनाया गया है, काम चलाऊ पुल बनाया गया है, उसी से इस ग्राम के लोग, गांव के लोग गुजरते हैं। चाहे किसी की डोली गुजरे या किसी की अर्थी या फिर अंतिम यात्रा हो, यहां के लोगों को जान हथेली पर रखकर इस नदी के, इस बांस के पुल से गुजरना होता है। यहां हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे जानेंगे कि आज तक इनके गांव में इस पुल को लेकर किसी ने ध्यान दिया, क्या कुछ बात हुई, किसके किसके पास आपने गुहार लगाई, क्या है पूरा मामला? सांसद जी के पास हमने गुहार लगाए, विधायक जी के पास गए, जिला पंचायत अध्यक्ष तक मैं लिखकर इसको दिए कि हमारे यहाँ दो पार्ट में नूरपुर कांसापुर ग्राम सभा बंटा है, सर जोड़ दिया जाए। और आज तक एक पुलिया कदम पुलिया तक नहीं बनाई गई। बार बार हमने गुहार लगाता रहा, कतई नहीं मुझे सुनवाई हुई। सबसे बड़ी समस्या इस गांव की है कि यहां निकलने के लिए कोई पुल नहीं बनाया गया है। यही एक बांस का पुल है, इसी से ग्रामीण निकलते हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो यहां पे डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। डॉक्टर जी, यहां सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी पीड़ा लोगों की है पुल। आज तक क्या कुछ हुआ? यहाँ कई बार लोग विधायक रहे और आप लोगों को, मुस्लिमों को, दलितों को बसपा का वोटर माना जाता था, उनकी भी चार चार बार सरकार रही, फिर समाजवादी की सरकार आई, फिर इस समय भाजपा की सरकार है। क्या कभी किसी ने देखने आया, आप लोगों को कोई देखने आया कि किस स्थिति में आप लोग जी रहे हैं? जी, मैंने बहुत से लोगों से बात किया। मैं यहाँ पे जब मौजूदा MLC थे हमारे, क्या कहते हैं वो, क्या नाम उनका, गोपाल जी, इनके प्रतिनिधि बन के आए थे लाल साहब, उनसे मैं एक प्रोग्राम में उनके सामने बात रखा। वो 2000 ईंट तक यहाँ के लेके आए रखे, लेकिन फिर क्या हो गया, क्या मालूम पड़ा कि कहाँ चला गया, फिर कोई झांकने नहीं आया। यहाँ पर उनसे बात हुई, 2000 ईंट रख के यहाँ पानी बांध दिए थे, काम लगाने के लिए बात आई, लेकिन इलेक्शन के बाद वो लोग भी गायब हो गए। उसके बाद में मैं विधायक जी के यहाँ सोराव में जाकर के मैं इस बात को रखा, तो कहा वहाँ पे पुल है, वहाँ पे पुल है, हमारे निधि में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं विधायक जी के यहाँ जा करके इसको बात को रखा हूँ वहाँ पर कि भाई हमारे यहाँ ऐसी समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं अनगिनत हैं, लोगों की तमाम समस्या हैं, लेकिन उस पार वालों की खेती इस तरफ, इस पार वालों की खेती उस तरफ है, कब्रस्तान हमारी 200 आबादी के उस तरफ है, ईदगाह हमारे यहाँ, जो बच्चे तरस जाते हैं जिस महीने में, क्या कहते हैं वो होता है, क्या कहते हैं, ईद होती है, जूता मोजा पहने तरस जाते हैं, कंधे पे बैठा करके आधे लोग पार करते हैं, जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, कब्रस्तान जाने के लिए। हमारे पास वीडियो आपको हम दे दें कि क्या कहते हैं, किस तरह से इस पर से, इसी पर से जनाजा हमारा गुजरता है, हमारे बस्ती का, हमारे ग्राम सभा का विद्यालय उस तरफ है, हमारे बच्चे उस तरफ नहीं जा पाते, इधर दूर दराज जाते हैं स्कूल जाकर के वहां पर पढ़ने के लिए। और उसके अलावा जो है, इस तरफ राशन के कोटे की दुकान है, जब नदी में बाढ़ आती है, पानी आता है, तो समझ लीजिए कि 6-7 किलोमीटर एक छोटी पुलिया क्रॉस करके हम लोग संघईपुर, सहिजनपुर, बरसंडा और सरा राजा होकर के हम इस तरह से नहवैया होकर के अपने नूरपुर ग्राम सभा में आते हैं, मदईपुर होकर के। सर, समस्याएं यहाँ पे काफी बड़ी है और समस्याओं का निराकरण होना जरूरी है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ का पुल है जो अभी तक निर्माण नहीं हो सका। हमारे साथ एक ग्रामीण और है, किस तरह की समस्याएं उठाना पड़ता है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कलीम भाई जी। यहाँ ग्रामीण की समस्याएं तो बहुत है, हालांकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पुल है, तो पुल के ऊपर किसी ने ध्यान दिया आज तक? आज तक कोई नहीं आया, सिर्फ मांगते हैं कि आप वहाँ से लिखित लाइए। हमने विधायक जी के पास 10 लोग को लेके भी गया, लेकिन वो कहते हैं कि मानक में ही नहीं है हमारे वो, इसलिए यहाँ से जो पुल है वो भी बकुलाही में बना हुआ है, लेकिन वो देलोपुर साइड में है, वो 7 किलोमीटर चल के हमको 1 किलोमीटर के लिए आना पड़ता है, राशन के लिए, वोट देने के लिए, बाजार के लिए, कब्रस्तान के लिए। यहाँ पे इतनी स्थिति खराब है, लेकिन आज तक कोई यहाँ आया नहीं देखने के लिए कि किस तरीके की, वोट लेने के लिए आते हैं बराबर, उनके कैंडिडेट यहाँ पहुँचते हैं, पुल क्रॉस करते हैं, हम लोग अगर कोई किसी का डेट हो जाती है तो सबसे पहले ये पुल बनाते हैं, गाँव भर मिलकर चंदा लगाएंगे, ये बांस का पुल बनेगा,
फिर हम लोग मिट्टी देने के लिए जाते हैं बारिश। वोट लेने आते हैं लेकिन इनका दुख दर्द सुनने कोई नहीं आता है। ये जिस समुदाय से आते हैं दलित और मुस्लिम, इनके वोटों के लिए पूरे प्रदेश में लड़ाई होती है कि ये दोनों वोट बैंक किसके साथ जाएंगे। ये वोट बैंक जिसके साथ गया उसकी सरकार बनी, कई बार इनके वोटों को लेकर बसपा की सरकार बनी, सपा की बनी, बीजेपी की बनी, लेकिन स्थिति आज की भी वैसे ही बनी हुई है। हम आपको बता दें कि लोगों को यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पुल, और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि से इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे मानक में नहीं है। अब चाहे मानक की बात हो या फिर कोई और बात, लेकिन यहाँ पे जो समस्या है वो काफी जटिल और गंभीर है और सोचने को मजबूर कर देती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहाँ और उसके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये कहते नजर आते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने पुलों का जाल बिछा दिया, हमने इस सड़क से इस सड़क को जोड़ दिया, इस क्षेत्र को इस क्षेत्र से जोड़ दिया, पता नहीं कब 7 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर में बदलेगी और इन ग्रामीणों का विकास होगा और इनके भविष्य पे, इनके बच्चों के भविष्य पे कोई ध्यान देगा। अभिषेक शर्मा, प्रजातंत्र टीवी, प्रतापगढ़।